ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवर एसआरटी सीरीज। सो टुडे द डेट इज 31st of May एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एसआरटीज। नंबर वन एसआरटी फॉर द डे इज, नंबर वन इज, ही वाज द क्लास मॉनिटर एंड ही फाउंड हिज फ्रेंड चीटिंग विद अदर स्टूडेंट्स। नाउ ही हैज टू सबमिट नेम ऑफ द चीटर्स। ही विल आई विल आस्क फ्रॉम अन्नू चौधरी। So he will submit the name of cheater as his duty is his first priority. Okay, submit the name. ठीक है? Yes sir. सही है। हाँ, तो एथिक्स मोरालिटी ये बहुत सिंपल एसआरटी, ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज योर फर्स्ट प्राइमरी एम इज टू यू नो गिव द नेम। यू हैव टू बी सिंसियर रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेदर ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, वेदर ही इज योर मे बी योर enemy also, you have to submit the name, है ना? अगर वो cheating कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। Yes sir। कभी भी गलत काम के लिए किसी को support नहीं करना। समझ रहे हो? जी सर। सर सबमिट करने के साथ उनको वार्न भी कर सकते हैं ना? हाँ, वार्न भी करो। हाँ, उनको समझाओ भी। एट द सेम टाइम यू विल आल्सो वार्न दैट यू हैव वार्न योर फ्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो यू विल आल्सो मेक योर फ्रेंड करेक्ट, या फिर रिकरेक्ट करो अपने फ्रेंड को दैट दिस इज अ बैड हैबिट एंड यू हैव टू यू डोंट हैव टू चीट, है ना? उनको वार्न भी करना है इस बात के लिए। जिंदगी में पनिशमेंट मिलेगी तभी तो सीखोगे आगे, या फिर कुछ चीज गलती करोगे तभी तो आगे सीखेंगे। तो उनको ये सबक है उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं। नंबर टू, ही वाज वाचिंग अ मूवी एंड सडनली अ प्रोजेक्टर कर्टेन कॉट फायर। ही विल, इंद्रनील बताओ। सर ही विल रेज द अलार्म एंड हेल्प द पीपल टू इवैक्यूएट एंड एट द सेम टाइम इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड एंड यूज फायर फाइटिंग मटेरियल्स इनसाइड एंड कंट्रोल द फायर। सब कुछ तुम ही कर लोगे क्या? तुम सुपरमैन थोड़ी हो। सभी तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? सब नहीं कर सकते। ही विल रेज द अलार्म, tell everyone to evacuate, at the same time inform authorities about it. बस inform authorities सबसे बड़ा होता है, authorities में सब आ जाता है, उसमें fire brigade की नहीं। वहाँ जो movie hall होगा ना, जो भी projector होगा वहाँ पे authorities तो होंगी, है ना? तो वो काम कर लेंगे, उनका काम है वो। आप इतना कर लो, inform कर दो, raise alarm कर दो, बाकियों को बोलो कि evacuate हो जाओ, है ना? इतना कर सकते हो। अब खुद भी fire भी बुझाने बैठ जाओगे तुम क्या करोगे? तुमको भी तो अपनी life बचानी है, तुम already से उसमें secure थोड़ी हो। आपके पास ना तो कोई इक्विपमेंट है ना कुछ है, और आग थी भयानक होती, पता है? तो मैं रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, मैंने तो देखी है, सामने सामने आग लगी है, है ना? मूवी हॉल में? मूवी हॉल में नहीं, मतलब वैसे कहीं और फायर फाइटिंग सीन देखा मैंने, सामने सामने आग लगते हुए देखी है। सर तो कभी मतलब फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होता है खुद से यूज नहीं करना है सर? फायर फाइटिंग हमारे पास कहाँ से आएंगे? फायर फाइटिंग की तो टीम आती है पूरी अच्छे से, पूरे बहुत बड़ा मतलब वो आता है ना, पूरी पूरी वो आती है, वही आती है उसमें। तो वो फायर सर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है। हां, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, छोटा होता है ना सर, पोर्टेबल वाला। हां, छोटा वाला होता है। हां, मूवी हॉल में जब आग लगेगी ना कर्टेन में, बहुत ज्यादा आग लगेगी, पता है? छोटे लेवल पे नहीं लगेगी, तो फायर एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा आपका। यस सर, यस सर। हां, तो छोटे से एरिया के लिए तो कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़े के लिए नहीं कर सकते हो। जी सर। एंड मतलब सर अथॉरिटीज को इवैक्यूएट करना है, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, बस अपना काम हो गया। हां, बस हो गया। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट मैटर, ही वाज नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग व्हीकल फ्रॉम द बिहाइंड एंड ही वाज ऑन अ साइकिल। ही विल, आई विल आस्क फ्रॉम यू, कौन है? अभिषेक। यस सर। सर ही फर्स्टली नोटिस डाउन अ नंबर ऑफ द स्पीडिंग व्हीकल and took the help of the other people and took the first aid and moved to and called the police and gave the number of the that speedy vehicle. ऐसा तो कोई नहीं करता आजकल, तो क्या करते हैं लोग, फिर से दूसरे व्हीकल में जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, बोला पैसे दे इसके मेरे जितना नुकसान हुआ है मेरा, उसको पीटेंगे भी तो पहले। बदले की भावना। हाँ, बदले की भावना। तो फिर मैं तो जोक कर रहा ऐसी, यहाँ पे आंसर बता लिख क्या सकते हो एक तो। हाँ सही बताया, यू विल नोट डाउन द नंबर, ठीक है, यू विल नोट डाउन द नंबर
यू विल टेक फर्स्ट एड आल्सो, आपको चोट भी लगी होगी पक्का इस चीज में, जब नॉकडाउन हो चुके हो, यू विल टेक द फर्स्ट एड एंड यू विल इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट इट, बस इतना सा काम कर लो और कुछ नहीं, ठीक है? सही है, और कुछ लिखना चाहेगा कोई बताओ, इंजीनियर कुछ और लिखना चाह रहे हैं? लिखा हुआ है नॉकडाउन बाय स्पीडिंग व्हीकल, सर मतलब गाड़ी से साइकिल को टक्कर मारी वो भी स्पीडिंग, तो सर हॉस्पिटल में नहीं जा सकता सर उसको? हॉस्पिटल में बोलता हूँ अपने आपको फर्स्ट एड, डिपेंड कर रहा है कि क्या आप अज्यूम कर रहे हो, कितनी चोट लगी है आपको, अगर सिंपल चोट लगी तो फर्स्ट एड ले सकते हो आप अपने के लिए, सिंपल से मतलब ब्लीडिंग एरिया को टाई करने वाला, अगर ज्यादा लगी तो हॉस्पिटल जाओ, एडमिट हो और उसका सही करो अपने आपको, उसके बाद अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो, फिर उसके बाद इन्फॉर्म टू पुलिस ऑल्सो, जी सर, है ना, ये चीज हो सकती है, लेकिन ये लिख देते हैं उसमें सर, बहुत लिखना पड़ेगा। हाँ, नहीं लिखना तो यार ऐसा मत कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो सिचुएशन से, अगर रिक्वायरमेंट है अथॉरिटी मांगती है आपसे आंसर तो लिखना है लंबा, यस उसको अथॉरिटी शॉर्ट में करती है। नेक्स्ट माता है, ही वाज इन अ रेलवे स्टेशन एंड ही आस्क्ड द पर्सन टाइम बट द मैन अब्यूज्ड हिम इन रिटर्न, ही विल, आई विल आस्क फ्रॉम अनुषा, अनुषा सर, ही विल अपोलोजाइज द पर्सन इफ ही डिड एनीथिंग बैड देयर, ask from another person the time, aapki apology mang rahe ho, gali to usne di hai, ha yes abused you, no sir, still if he is abusing for something he felt offended then he just apologize and go and ask another person, that would be good. Gandhi ji wala principle follow karta hu, the following Gandhi ji principle, pull down sir, pull down sir, सर, he will cool down himself and ask to other person or watch at railway station watch. Sir, he will clarify by sign language that he was only asking time. The person realizes, apologizes and tells him the time and he moves. ठीक है, real life scenario में बोलेगा कि तो पीटेगा उसको पहले तो। सर तब तो अलग ही होए। हाँ ना। मैं बोल रहा हूँ उसमें ऐसा लिख सकते हो आप, he will tell that person not to abuse him, ठीक है, हाँ मतलब tell him not to abuse, पहली बात तो उसको रिकरेक्ट करना है, पहले सही बताना है, ठीक है, ask for the reason of abusing also, then also ask for the reason of abusing, या फिर आप बोल सकते हो you can tell him not to abuse and ask for the reason about the time, दूसरे इंसान से पूछ लेना कहीं इंसान सर, लास्ट का फिर से बोलेंगे, सर आपका कॉल ड्रॉप हो गया था, yes. मैं ये बोल रहा था इसमें कि यू विल टेल हिम नॉट टू अब्यूज एंड ही विल आस्क फॉर द टाइम फ्रॉम अनदर पर्सन, सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी दूसरे स्टेट में होगा, उसने कुछ बोला, उसने कुछ गलत इंटरप्रेट किया तो उसको बता दिया ना, तो ये एसआरटी तो अब इतना लंबा कैसे लिखोगी इंटरप्रिटेशन के बारे में, ये सर फिर ओवरथिंकिंग नहीं हो जाएगी सर, मतलब कि हां तो ज्यादा इंटरप्रेट मत करो, सिंपल सा लिखोगी आप लोगों की ही विल रिकरेक्ट दैट पर्सन नॉट टू अब्यूज, है ना, हैव मैनर्स, हैव गुड मैनर्स, इस तरीके से, ठीक है, एंड देयर आफ्टर आस्क फॉर द टाइम फ्रॉम अनदर पर्सन, बोलते नहीं कि आपको मैनर्स नहीं सिखाया, किसी ने तमीज नहीं सिखाई, है ना, तो फिर वो ये यहां पे लिखना है कि टेल हिम दैट टू हैव गुड मैनर्स एंड नॉट टू अब्यूज लाइक दिस, यूज गुड लैंग्वेज, ठीक है, कंट्रोल योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, सर यहां पे टोटली मिस्टेक जो सामने वाला पर्सन है उसकी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वाला ही कर रहा है, उसको मार नहीं सकते, लेकिन सर हर स्टेशन में घड़ी लगी है तो उसको पूछने की जरूरत क्या सर बार बार, वो यार एसआरटी दी गई है, सोचने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो ट्रेन के अंदर बैठा उसको टाइम नहीं मिल रहा वहाँ, इसलिए नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है इसलिए टाइम पूछ रहा है, सर आपने एक एसआरटी मिस कर दी है, ही वाज, हां सर, अच्छा देख, ही वाज बोटिंग इन अ फास्ट करंट एंड सडनली द बोट ओवरटर्न, ही विल, आई विल आस्क फ्रॉम विक्टिम, ही विल, ही यूज सेफ्टी किक एंड आल्सो ट्राई टू हैंडल द बोट, आई विल आस्क फ्रॉम अभिषेक, ओके सर, ओके सर, एज ही वाज जस्ट वेयरिंग द लाइफ सेविंग जैकेट विद द हेल्प ऑफ दैट ही विल ओवरटर्न इट अगेन, ओवरटर्न इट अगेन, यस सर, एंड ही विल गेट इनटू द बोट एंड
came across the bank of river. Yes. किसी को कुछ चेंज करना है? नहीं सर. ठीक है, सही है, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं. दोबारा से ऊपर आ जाएगा, कुछ कुछ नुकसान से ही हो सकता है. He will get over the boat also. जब बोट उल्टी हो जाती है तो डूब जाती है. ओवरटर्न में अच्छा सर वो कर देना है. ठीक है, ओवरटर्न में डूबती कहाँ है बोट? हाँ नहीं डूबती, नहीं डूबती. बोट तो तब भी चलेगी, ऊपर से ऊपर बैठ जाएगा, बैंक के रिवर के क्रॉस आ जाएगा. यस सर, यस. इंजीनियर तुम बताओ, डूबती है बोट उल्टी हो जाती है? नहीं सर, वो बॉयंट फोर्स काम करता है ना, नीचे से पुश मारता है. हाँ डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करती रहेगी सर, फ्लोट करेगी उसके ऊपर. बैठ गीला हो जाएगा, इतना हो जाएगा वो. सर वो तो जान बच जाएगी तो सर मैनेज कर लेगा. सर ऐसा भी हो सकता है ना कि सर he will get into another boat and with the help of overthinking हो रही है. overthinking मत लो, क्या था ना, another boat मत लो ना, अभी एक ही boat के बारे में पूछ लेंगे या तो दूसरी boat पूछ लेंगे. ठीक है सर. चलो that was all for today's session. ठीक है सर, तो इसको finally एक बार बता देंगे सर, since like he was very